हेलो फ्रेंड, मैं दीपक उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। तो फ्रेंड, आज हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, यहां पे आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली हमें यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक का भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 339 रुपए के आसपास। तो क्या हमें यहां पर बाइंग करना चाहिए, इस पर हम करेंगे चर्चा और आपको बताएंगे फ्रेश एंट्री के लेवल, टारगेट और स्टॉप लॉस। तो फ्रेंड, यहां पर आप देखिएगा आपके सामने यहां पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है, यही डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट यहां पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 360 रुपए के नीचे जब स्टॉक आता है और यहां पर जो ब्रेकडाउन हुआ, स्टॉक में गिरावट कहां तक की हुई, तो हमने देखा लगभग लगभग यहां पर 295 रुपए तक की हमें गिरावट देखने को मिलती है। ये देखिएगा लगभग लगभग 300 रुपए के नीचे 295 रुपए तक की हमें गिरावट यहां पर देखने को मिली। स्टॉक में आती है तेजी और ये तेजी एक बार फिर से स्टॉक को ऊपर की तरफ 360 रुपए के आसपास लेकर के जाती है। देखिएगा यहां तक जाने के बाद स्टॉक में आपको फिर गिरावट दिखी और ये गिरावट एक बार फिर स्टॉक को नीचे की तरफ लाई और कहां तक गिराया, तो यहां पर लगभग लगभग 395 के भी नीचे 390 रुपए के आसपास। ये देखिएगा यहां पर मैं गलती से 300 बोल रहा हूं, 290 के आसपास, 300 के नीचे मतलब 290 रुपए के आसपास आपको यहां पर स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दिया और यहां पर सपोर्ट लेकर के स्टॉक ऊपर की तरफ चलता है। और ऊपर जाते समय यहां पर आप देखिएगा 320 तक गया स्टॉक और यहां से जैसे ही ब्रेकआउट लिया, अपनी एक रेंज बनाई है स्टॉक ने और इस रेंज में आने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। कहां तक? 355 रुपए तक। नीचे यहां पर सपोर्ट लेता है कहां पर? 320 रुपए। ये देखिएगा फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है लगभग लगभग 360 रुपए के आसपास, फिर से गिरावट करता है कहां तक? 320 रुपए तक। यहां से स्टॉक के अंदर आपको फिर तेजी दिखाई दी और इस हल्की तेजी के बाद आपको फिर से स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। कहां तक की? तो आप देखेंगे 320 रुपए के थोड़ा नीचे तक स्टॉक आपको यहां पर गिरता हुआ दिखाई दिया और यहां से जब तेजी आई तो स्टॉक एक बार फिर से 360 रुपए तक आपको जाता हुआ दिखाई देता है। ये देखिएगा और 360 के आसपास जाने के बाद स्टॉक में जो गिरावट हुई है, यहां पर आप देख रहे हैं कंसिस्टेंटली स्टॉक गिर रहा है और यहां पर अभी 340 के आसपास स्टॉक आ चुका है। लेकिन यहां पर जो रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, यह 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन, यहां पर स्टॉक ने सपोर्ट जनरेट किया। ये देखिएगा यहां पर स्टॉक में लगभग हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है और नीचे जो ग्रीन लाइन है यह 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन। यदि यहां पर ये ग्रीन लाइन इस रेड लाइन को कट करके ऊपर निकलती है, डेफिनेटली आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल आपको यहां पर अचानक से बाइंग नहीं करना है। यदि आपको यहां से कोई रिवर्सल दिखे, कोई ग्रीन कैंडल दिखाई दे, तभी बाइंग करना है। क्योंकि यदि यहां पर यह सपोर्ट टूट जाता है, कौन सा सपोर्ट? 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर कल को टूट जाता है तो स्टॉक एक बार फिर से आपको लगभग लगभग 320 तक भी गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। और 320 से ज्यादा अगर गिरावट होती है तो एक बार फिर से 300 या फिर 290 तक भी आपको गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा अचानक कोई भी बाइंग ना करें। यहां पर अगर बाइंग कर भी लेंगे, ऊपर की तरफ टारगेट आपको मात्र 360 मतलब लगभग लगभग 20 पॉइंट दिखाई दे रहा है, लेकिन वो रिवर्सल आने पर ही आपको बाइंग करना है। अचानक से जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आपको यहां पर नहीं लेना है। तो यहां पर सेफेस्ट बाइंग क्या होगी? सेफेस्ट बाइंग की अगर बात करें, स्टॉक सपोज गिर करके नीचे आता है और 320 के आसपास आने के बाद यदि आपको रिवर्सल दिखता है तो यहां पर एक फर्स्ट बाइंग होगी, जिसमें आपको ऊपर की तरफ 360 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। और अभी भी अगर रिवर्सल आएगा तो आपका टारगेट यहां पर एज इट इज 360 ही रहने वाला है। यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा यदि 320 के आसपास आप बाइंग करेंगे और स्टॉप लॉस की बात करें तो नीचे की तरफ कोई भी स्टॉप लॉस आपको यहां पर नहीं रखना होगा। यदि स्टॉक गिरता है और स्टॉक गिर करके 280 के आसपास चला जाता है तब हम क्वांटिटी को एक्यूमुलेटेड कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में एंट्री करके आप अभी एंट्री कर रहे हैं 340 के आसपास, तो नीचे की तरफ आपको छोटा सा स्टॉप लॉस रखना होगा। कहां तक का? 335 रुपए का। ऊपर की तरफ टारगेट आपको 360 तक का रखना होगा। तो फ्रेंड, ये था हमारा टेक्निकल व्यू बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड शेयर को लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।